यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहार पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए शुकदेव जी महाराज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरयेत् ततो जय मुदीरयेत् ततो जय आइए श्रीमद् रामचरितमानस में प्रवेश करें। इससे पूर्व कुछ बातें गहराई से सुने। साधवो 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 हृदयं 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 मह्यं 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 साधुनां 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 हृदयं 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 त्वहं 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 मदन्यत 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 तेन 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 जानन्ति 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 नाहं 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 तेभ्यो 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 मनागति 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 पुनः साधवो साधवो हृदयं हृदयं मह्यं मह्यं साधुनां साधुनां हृदयं हृदयं त्वहं त्वहं मदन्यत मदन्यत तेन तेन जानन्ति जानन्ति नाहं नाहं तेभ्यो
तेभ्यो मनागति मनागति। पुनः पुनः तो मैं बोल रहा हूँ, पुनः मंत्र में नहीं आ रहा। तीसरी बार साधवो हृदय मह्यम साधुना हृदय त्वहं मदन्यत् तेन जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागति। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये। इसका शब्दार्थ है साधु मेरा हृदय है और मैं साधु का हृदय हूं। साधवो हृदयम मह्यम। आहा, बड़ा अमृत बरस रहा है इस मंत्र में। विराट के वर्णन में पाया गया, जहां विराट का वर्णन रामचरितमानस में या तो कहीं पुराणों में या तो भगवत गीता में, विराट के वर्णन में ये रोम रोम में वृक्ष मेरे रोम है, नदियां मेरी नसें हैं, समुद्र मेरा ओह उदर है, अग्नि मेरी जिह्वा है, सूर्य चंद्र मेरे नेत्र हैं, श्रवण दिशा दस भेद बखाना, दसो दिशा मेरे कान हैं। ये सब वर्णन जो आता है पद पाताल शीश अजधामा, अंग अंग में ये मेरा पहाड़ है, ये पहाड़ मेरे शरीर के ये अस्थियां वगैरह हैं, फला फला हैं, मेरा श्वास वेद है, ये सब प्रभु ने कहा है। लेकिन ये बात जो हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो तो हद कर दी। साधवो हृदयम मह्यम। ये सब तो मेरे में बसे हुए हैं लेकिन साधु मेरा हृदय है, और उससे भी क्रांतिकारी बात तो वो है, छलांग तो वह है, साधुना हृदयम त्वहं। साधुओ मेरा हृदय है और मैं साधुओं का हृदय हूं। मैं और कुछ नहीं हूं, ठाकुर कहते हैं। ये श्रीमद् भागवत जी का मंत्र है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। मैं साधुओं का हृदय हूं। और इससे भी आगे की बात, मैं साधुओं का हृदय हूं, साधु मेरा हृदय है, साधुओं साधु मुझसे छोड़कर और कुछ नहीं जानते और मैं साधु को छोड़कर कुछ नहीं जानता। नाहम तेभ्यो मनागति, नाहम तेभ्यो मनागति। साधु मुझे छोड़कर कुछ नहीं जानता। साधु की जानकारी वहां पर्याप्त है, ठाकुर को जान लिया। शास्त्र तो पथ है, मार्ग है, जहां से चलकर उसके पास पहुंचा जाए। पथ पर रुका वो माइलस्टोन हो सकता है, हिमालय नहीं हो सकता। जो पथ पर रुक गया वो मार्गदर्शक बन सकता है, मनागति नहीं हो सकता, वही नहीं पहुंच पाता। उनके सिवा साधुओं की कोई जानकारी है ही नहीं संसार में। साधु उसको कहें जिन्होंने ब्रह्म जान लिया। शास्त्र तो है पथ, जानना है प्रभु को, बहुत अद्भुत है। गहराई से सुनते जाए तो ये चार बातें जो हैं, साधु मेरा हृदय है। अब पहले ये समझना चाहिए कि साधु किसको कहे। कबीर चिल्ला रहा है साधो साधो साधो, साधो साधो
दो का गाव साधो। बहुत अच्छे साधो गाव साधो साधो सूरज मरी हो चंदा मरी हो सूरज मरी हो धरे आकाश मरी हो धरे आकाश चारु जनता चौधरी मरी हो साधो 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 दो का गाव साधो मुर्दों का गाव साधो कबीर साधो को संबोधन करते हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। ये मुर्दों का गांव है। कौल काम बस कृपन हम सब मुर्दे हैं, भ्रांति में मत रहना। ये तो इनकी करुणा है कि मुर्दों में सांस डाल दी, बाकी सब मुर्दे हैं। रामचरितमानस पढ़िए। जय जय प्रमाण मानस से लीजिए, मोहर लगा देता है रामचरितमानस। कृपन बिहुधा अति दरिद्र अज सीमति बूढ़ा कौल काम बस कृपन बिमूढ़ा अति दरिद्र अज सीयति बूढ़ा सदा रोग बस संतत क्रोधी विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी सदा रोग बस संतत पोषक निंदक अघखानी तनु पोषक निंदक अघखानी जीवत सब सम चौदह प्राणी यहाँ जीवत सब सम चौदह प्राणी कौल काम बस कृपन बिमुंधा अति दरिद्र अज सीयति बूढ़ा कौल काम बस कृपन बिमुंधा अति दरिद्र अज सीयति बूढ़ा अति दरिद्र अज सीयति रामचरितमानस में अंगद के ये वचन है। अंगद ने दशानन की सभा में कहा कि दशानन मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मार सकता हूं, तेरी ये सभी सेना को मार सकता हूं, लेकिन तुम्हें क्या मारना, और हमारे ठाकुर भी मारना नहीं चाहते, इसलिए मुझे राजदूत के निमित्त भेजा है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हें क्या मारना, तुम मरे हुए हैं, तेरी सभा मरी हुई है। रावण घबरा गया कि ये एक बंदर की मजाल जो हम सबको मरे हुए बताएं, और कह दिया कि शास्त्र में लिखा है 14 व्यक्ति जीवित हो तो भी मरे हुए हैं। कौन काम बस अति कामाधीन मरा है, शव है।
कौल काम बस कृपण लोभी मरा हुआ है, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, विमूढ़ मूढ़ व्यक्ति मरा हुआ है, मुर्दा है। कौल काम बस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र, अति दरिद्र। अति दरिद्र का अर्थ आप ये न करें कि जिसको खाने को रोटी नहीं है वो तो दरिद्र है ही, लेकिन शास्त्र में दरिद्र की व्याख्या बिलक है। मोह दरिद्र निकट नैया, मोह दरिद्र निकट नैया, मोह दरिद्र निकट नैया, मोह दरिद्र निकट नैया। मोह का दारिद्र जिसको लग गया है, मोह का दरिद्री जो है मरा हुआ, नष्टो जीवित कौन है, नष्टो मोह कौन खड़ा होता है, जिंदा खड़ा होता है, मरा तो सोया है। मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह, करिष्ये वचनन्तव। और वचन कौन मानेगा, प्रभु का, ऋषि का, जो जीवित होगा जिसमें चेतना, मुर्दा क्या मानेगा। इसलिए साधुओं को कहा, साधु जीवित है, भगवान का हृदय है, दबक रहा है, इसलिए कबीर साधु को कहता है मुर्दों को क्या कहना, मुर्दों को क्या सुनाना, इसलिए साधु को कह रहे। तो कौल वामपंथी, कामाधीन, कृपण विमूढ़, कौल काम बस कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी, जिसको बदनामी मिली है वो मरा हुआ है। अति दरिद्र अजसी, अति बूढ़ा, अति बूढ़ा, अति वृद्ध। बूढ़ा शब्द पर्याप्त था, दरिद्र शब्द पर्याप्त था, लेकिन अति शब्द दोनों जगह लगा दिए, क्योंकि बूढ़ा आदमी, कोई बूढ़ा है उसको बूढ़ा कहो, अति बूढ़ा कहने की कोई जरूरत, लेकिन अति बूढ़ा का अर्थ है शरीर से बूढ़ा नहीं, जवान होते हुए भी कई बूढ़े दुनिया में दिखाई दे रहे, जवान होते हुए 32 साल के बूढ़े कम नहीं दुनिया में। अति बूढ़े का अर्थ गोस्वामी जी का है शरीर तो जवान है लेकिन हार गए, थक गए, मरने जा रहे। कुछ घटना घटी, चलो आप घात कर ले, कुछ घटना, मरना तो बूढ़ों को है, जवानों को नहीं, जवान को नहीं। और ध्यान देना, साधु कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी बूढ़ा नहीं होता, साधु नित नूतन, नित जवान होता है साधु। शरीर से, शरीर तो अपनी अपना कार्य करता है, शरीर से क्या लेना, ना हम देहो, ऋषि कहता है भगवती श्रुति का, उपनिषद का बात। तो अति दरिद्र अजसी, अति बूढ़ा, सदा रोग बस, सदा जो रोग में डूबा है वो मरा हुआ है, मुर्दा है। तो क्या ये समझे कि सदैव रोगिष्ट जो हैं वो मर चुके हैं, तो उसका संस्कार क्यों नहीं करते, अस्पताल में ले जाते हैं, एक से एक बढ़िया अस्पताल में उस धोए जाते हैं हम। लेकिन गोस्वामी जी का अर्थ दोनों है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। सदा रोगवश, जैसे बहुत रोगी हो तो ठीक है मरा हुआ ही मुर्दा, लेकिन दूसरा रोग बहुत बताए हैं रामचरितमानस में, बहुत रोग, इन रोगों का जो रोगिष्ट हो गया, तुलसीदास जी के शब्दों में, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नीत छाती जारा, काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पीत नीत छाती जारा, प्रीति करे जो तीन भाई, उपजहि सन्य पात दुखदाई, उपजहि सन्य पात
उपजहि सन्न पात दुख सदा रोग बस जन्म जन्म का ये रोगी जीव यदि इनसे छुटा नहीं तो मरा है मुर्दा है। सदा रोग बस संतत क्रोधी, संतत क्रोध करता है, सतत क्रोध करता है, वो मरा हुआ है मुर्दा है। तनु पोषक निंदक अघ खान जीवत सब सम चौदह प्राण। ये जीवत सब सम चौदह प्राण। तनु पोषक जो केवल अपने शरीर के पोषण में ही डूबा रहता है मुर्दा है। तनु पोषक निंदक दूसरों की निंदा करने वाला मुर्दा है। अग खानी पाप की खानी है, पाप करने वाला नहीं। पाप तो हो जाते हैं आदमियों से लेकिन उनका छुटकारा बताया, लेकिन पाप की खान जहां से पाप पैदा हुआ करते हैं, पाप ही निकलते हैं जिस खदान हो गया जो आदमी पाप की। पाप किया वो तो कभी कर लिया सुधर गया, लेकिन जो खानी है जैसे कोयले की खदान होती है, जो पाप की खान है, जो गया उनको वहीं से पाप ही पाप मिला, वो मुर्दा है। तनु पोषक निंदक अघ खानी जीवत सब सम चौदह प्राणी। जीवित होते हुए भी दशानन हे दशग्रीव ये मरे हुए हैं, इनको क्या मारना। उनका तो अग्नि संस्कार ही करना चाहिए, इसलिए हनुमान जी ने लंका जलाई कि चलो अग्नि संस्कार कर दे जितना हो सके। एक जीवित था विभीषण, इसलिए एक विभीषण का गृह नाही, बाकी अग्नि संस्कार। तो मुर्दे हैं सब, जीवित है साधु। कबीर का ये वाक्य श्रुति सम्मत है। चंदा कबीर कहते हैं चांद भी मरेगा सूरज भी मरेगा। साधो 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 मुर्दो का नाम, साधो मुर्दो का नाम, साधो। स्मशान में रहना अच्छा लेकिन चारों ओर मुर्दे पड़े हैं उनमें रहना ठीक नहीं। स्मशान में तो योगी रहते हैं, भूत भावन स्मशान स्वा क्रीड़ा स्मर हर पिशाचा सहचरा। भगवान शंकर स्मशान में रहते हैं। तो सूरज मरेगा, मैं एक किताब पढ़ रहा था, इसमें लिखा था विज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि ये सूरज जो जल रहा है वो अब से 4000 साल तक रहेगा, उसके बाद बुझ जाएगा। इस अनंत अवकाश में रोज एक कोने में भगवान एक नया सूरज का दीप जलाता है और एक सूरज को बुझा देता है, यहां सब उठता है। ये सूरज शाश्वत नहीं है, ध्यान देना, शाश्वत है इन अनंत कोटि सूर्यों को पैदा करने वाला राम सच्चिदानंद दिनेशा, जो सत चित आनंद साक्षात सूरज, सूरजों का सूरज है वो ही एक शाश्वत। कहते हैं सब बहुत से सूरज बुझ गए हैं इस विराट में,
और ये बहुत नया है और थोड़ा करीब है इसलिए उजाला दे रहा, 4000 साल रहने वाला है ऐसा लिखा है, 4000 साल के बाद ये चला जाएगा, बुझ जाएगा, ज्योति बुझी जा रही। तो चंदा भी मरता है, सूरज भी मरता है, पीर भी मरता है, पैगंबर भी मरता है, यहाँ कौन रहता है? सब मुर्दों का गांव है। इसलिए मैं कल एक सूत्र आपके सामने रख रहा था, अमृत कल्लोल नदी, अमृत कल्लोल नदी, अमृत कल्लोल नदी, अमृत कल्लोल नदी, अमृत कल्लोल नदी। साधु वो है जो अमृत की कल्लोल करने वाली नदी में नहाता है, क्योंकि हर नदियां मर जाती हैं, गंगा भी गंगा सागर में लीन हो जाती, समाप्त हो जाती, पैदा हुई गंगोत्री से गंगा सागर में विलीन, हाँ पुनः उठेगी बादलों में, पुनः टकराएगी हिमालय के उतंग शिखरों से, श्रृंगों से, और पुनः वर्षा होगी पुनः गंगोत्री से, ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम सबका चलता। साधो तू अमृत की नदी में स्नान कर, जिसका न कोई आरंभ है न कोई अंत है, अमृत कल्लोल नदी, उसी में साधो का स्नान है। इसलिए कबीर इन सबको मरा हुआ मानते हैं, बिल्कुल पक्की अनुभूति है महापुरुष की। तो ये सब मुर्दों के गांव है, कबीर साधुओं को संबोधन करता है। कबीर को किसी ने कहा कि आप जैसी मस्ती यदि हमको चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? कबीर ने कहा छोड़ो भाई, ये मस्तों की दुनिया बिलग है, आप छोड़ो, आप इनमें नहीं प्रवेश कर पाएंगे। बोले नहीं नहीं, जरा बताइए तो सहा, इतने स्वार्थी और इतने कंजूस क्यों होते हो, जरा हम भी तो मुंह मीठा कराओ कि क्या बात है इसमें, ये आनंद ये मस्ती कैसे आती है? कबीर ने कहा आप नहीं कर पाओगे। बोले नहीं बताइए तो सही। तो कबीर ने बड़ा प्रसिद्ध दोहा कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए मशाली हाथ, मशाल हाथ में लेकर कबीर कहता है मैं बाजार में खड़ा हूं, ले लो मशाल। जिसको कहा उसने भी मशाल ले ली और कहा कि चलो अब तेरे घर, पहले मेरी कुटिया पर चलो। वो मशाल लेकर गया, कोई बताएगा, कोई औषधि बताएगा कि मस्ती की, कोई दवा बताएगा कि ये दवा ले लो और मस्त हो जाओ। तो आया कुटिया के पास और कबीर की कुटिया गंगा के तट पर थी और मशाल लगा कर कुटिया को जला दी और उसने कहा कि चलो अब तेरे घर चलो। बोले क्या मामला क्या है? बोले मस्त होना है ना। तो कबीरा खड़ा बाजार में लिए मशाली हाथ, जो घर फूके आपका सो चले हमारे साथ। मस्तों के साथ वही गति कर सकता है जो अपने हाथों से अपनी हत्या कर सकता है। अपनी हत्या यानी अपने मैं को मिटाना, अपने मैं पने को मिटा देना। मैं अनुभूति तक पीछा करता है। अनुभूति अच्छी बात है लेकिन मैं वहां तक पीछा करता है। ये हमारी अनुभूति है, ये मेरी अनुभूति है। ध्यान देना, अनुभूति हृदय को होती है, बुद्धि को माहिती मिलती है। और हृदय कौन है? साधवो हृदयम मह्यम। हृदय तो वो है, तू कहां ढो रहा है तेरी अनुभूति? वो तो इन्हीं की कृपा हुई कि तू अनुभूत हो गया। अनुभव भी उसका, ध्यान देना, अंतिम छोर तक मैं पकड़ता है साधकों को। अनुभूति मेरी है, वहां भी बंधन है, वहां भी तकलीफ, अनुभूति तक पकड़ता है। तो कबीर कहते हैं वो हमारे साथ चल सकते हैं जो अपने मैं को जलाकर भस्म कर सकता है, अपने मैं को मिटाने को राजी, अपने को जो समाप्त कर देता है पूरा। भगवान कृष्ण का एक स्वभाव है, आपने जाना होगा उनका स्वभाव, तो क्या बता है, प्रभाव भी अनंत है, स्वभाव भी अनंत है। एक स्वभाव समझ में आ जाए ना तो ये जीव कृतकृत्य हो जाए।
इनमें से एक स्वभाव है भगवान कृष्ण का कि यदि मुझे पाना चाहते हो तो अपने आप को पूर्ण रूपेण समर्पित कर दो, मैं एक अंश भी कम नहीं लेता, जरा भी कम नहीं स्वीकारता। उसका एक स्वभाव पूर्ण। कोई कहे कि मैं इतना बच जाऊं तो बोले नहीं नहीं, मेरा स्वभाव ये है, मैं एक रंच मात्र भी कमी नहीं कबूल करता, पूर्ण रूपेण समर्पित हो जाओ। प्याले में समुद्र का जल लो तो ठीक है, प्याले में समुद्र आया आपको मिला क्योंकि आपने प्याला बनाया, आपने अपने आप को सीमित बनाया, तो समुद्र भी इतना ही मिला आपको। आपने अपने आप को बाल्टी बना दी तो समुद्र भी इतना मिला आपको। आपने अपने आप को बड़ा घड़ा बना दिया, बड़ा टैंक बना दिया, तो बड़ा तालाब बना दिया, तो समुद्र इनमें भरोगे तो इतना। कोई व्यवस्था नहीं है, जितना अपने आप को बढ़ाओ लेकिन पूर्ण रूप में। समुद्र तभी तुम्हारा होता है जब व्यक्ति स्वयं समुद्र में डूब जाए, तब समुद्र उनका वो समुद्र का। कृष्ण कहता है मेरे महासिंधु में तो पूर्ण रूपेण जो डूबेगा वो ही मुझे पाएगा। रंच मात्र कम स्वीकार्य नहीं है यहां। लाख लागवक करो चलती नहीं किसी की लागवक। कहता है पूरा आओ जो घर फूके आपका। तो कबीर ने साधुओं को कहा, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बहुत सुंदर शब्द। तो साधु क्या है? भगवान कहते हैं साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय हूं। तो साधु क्या है, साधु कौन? बहुत से अर्थ संतों ने बताए और उसका थोड़ा बहुत अनुभव करने से आनंद आएगा कि हम में कितनी साधुता उतरी। एक तो अर्थ है साधु वो है जो साध्य को साध रहा है, जो लक्ष्य के प्रति चल पड़ा है, यात्रा आरंभ कर दी। कब पहुंचूंगा पता नहीं साधु को, लेकिन यात्रा जरूर शुरू कर दी। अपने साध्य के प्रति जो साधना शुरू कर देता है वो साधु है। जिसका जीवन सीधा साधा है वो साधु है। सीधा साधा का क्या क्या वर्णन करें, गोस्वामी जी से पूछिए। सरल स्वभाव मन कुटिला जथा लाभ संतोष सदा। सरल स्वभाव मन को खिलाई जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव मन को खिलाई जथा लाभ संतोष जथा लाभ संतोष सदा। जिसका जीवन सीधा साधा है वो साधु। जो अपने मन से कर्म से वचन से कभी भी किसी के जीवन में बाधा नहीं करता वो साधु है। कभी किसी के जीवन में हमारी ओर से कोई बाध पैदा ना हो। कर सकते हो संकल्प? कर सकते हैं यदि तो कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, पैंट में भी हुआ सकता है, दिगंबर भी हो सकता है, पीताम्बर वाला भी हो सकता है, वनवासी भी हो सकता है, पूर्ववासी भी हो सकता है,
हो सकता है, देशी भी हो सकता है, विदेशी भी हो सकता है। सवाल है, हम अपने जीवन में, चलो आज से शपथ लें कि हम अपने जीवन से किसी को बाधक नहीं बनेंगे, किसी को हटाना मत मेरे भाई बहन। हट जाना एक बार काल हटाने वाला है, इसलिए कृपया खुद हटो। रास्ते पर जा रहे हो किसी को मत कहो हटो, बड़ा लंबा चौड़ा रास्ता है, अपने अपने सिकुड़ करके हट जा, चले जा। मौत आएगी तब कहोगे कि हटो? मौत का एक बहुत बड़ा राज है, आपने सुना होगा कि मौत जब भी आती है तब हम घर पर ही मिलते। मौत आई और आप कहे कि बाजार में गए, तो मौत वहीं पहुंच जाएंगे। मौत जब भी आई आप मिल ही जाते हैं, मुद्दत नहीं होती। कोर्ट में मुद्दत हो सकती है कि अगली तारीख दे दी जाए, लेकिन मौत जब भी आती है तो हम घर पर ही होते हैं। एक आदमी है उपनिषद में जो मौत के घर गया, नचिकेता। उसके बाप, उसका बाप गायों का दान कर रहा था और अंतिम बार गायों जो दोहली गई है उसके बाद वो गाय दूध देने वाली नहीं, ऐसी गायों का दान करने लगा। तो एक छोटे से बालक नचिकेता ने बाप से पूछा कि ऐसी गायों का दान करने का क्या अर्थ है, ये फिजूल है, बेकार है, कोई अर्थ नहीं है इसका। और बेटा बाप को सलाह दे, बाप का अहम को चोट लगी और कहा, तू छोटे मुंह बड़ी बात, मैं तेरा बाप हूं, मैं सब कुछ दान करना चाहता हूं, इसलिए गाय भले ही कृष हो लेकिन मैं सब कुछ दान देने का संकल्प कर चुका हूं, इसलिए गाय दे। तो पिताजी सब कुछ दान देना चाहते तो फिर मैं भी आपका हूं, मेरा भी दान कर दो, सब कुछ अर्थ है पूर्ण रूपे, तो आप मुझको किसको दोगे। और बाप का एकदम दिमाग गया और कहा कि मैं तुम्हें काल को दे दूंगा। जैसे बालक बोलता तो बाप कहते ना, मरो तुम, पड़ो खड्डे में, जाओ यहां से, मरो, ऐसे बोल देते हैं आवेश में। वैसे नचिकेता का बाप बोला कि तुम्हें मैं काल को सौंप दूंगा, और बात बालक ने पकड़ ली। बालकों की बात पर बहुत गौर करना, क्योंकि बालक अनेक बार बूढ़ा बनकर आया है, पुनरपि जननम कई बार आया है, कहीं प्रौढ़ता उन्होंने पाई। इह संसारे खलु निस्तारे कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम। तो बालक चला मृत्यु के द्वार, बड़ी प्यारी कथा है, आपने सुनी, में आ गया तो कह देता हूं। मौत के दरवाजे, और बड़ी विचित्र, ये तो भारत ही कर सकता है, मैं बार पुनः एक बार कहूं, हिंदुस्तान ही ये कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। मृत्यु जब हमारे पास आती है तब हम घर ही मिलते हैं उसको। हवाई जहाज में होंगे तो वहीं आ जाएगी, समुंदर पर जहाज में होंगे तो वहीं वो पूरा पता रखता है मिनट मिनट का कि तू कौन, मिनट कहां है। मृत्यु कभी चुका नहीं, जब भी मृत्यु आती है हम घर पर मिलते हैं। लेकिन बड़ी विचित्र कथा उपनिषद की कि नचिकेता जब मृत्यु के पास गया तब मृत्यु घर नहीं थी। बड़ा विचित्र मामला है, बड़ा विरोध में मामला है। वो जब यमराज के द्वार गया तब यमराज की पत्नी थी, यमराज कहीं बाहर गए थे। यमराज जब आता है तब हम हर वक्त घर में मिलते हैं, और एक बालक इस देश का नचिकेता गया वहां तो यमराज नहीं, और उसकी पत्नी ने समझाया, बालक तू कहाँ आया, जाओ लौटो। बोले मैं जाने वाला नहीं बिना मुलाकात किए, मेरे बाप ने दे दिया है मौत को, मेरा बाप संपूर्ण दान करना चाहता। कहते तीन दिन खड़ा रहा, न खाया न पिया, क्योंकि मौत को बुलानी हो तो खाना पीना छोड़ देना चाहिए, तो ही धीरे धीरे आएगी ना। खाना छोड़ दो पीना छोड़ दो तो मौत क्रमशः धीरे धीरे आएगी।
ये उपवास की पद्धति मौत को बुलाने की पद्धति है। एकादशी का उपवास, उसको स्थूल रूप में मत देखो, ये ऋषियों का बड़ा मनोविज्ञान है, उपवास है। धीरे धीरे तुम मृत्यु को बुलाओ, तुम उनके मुंह में जाओ, इससे अच्छा है वैष्णव तुम ऐसा उपाय करो कि मौत धीरे धीरे तेरे पास आए। उसको लाना है, वो बाहर गया है मौत, इसको बुलानी है। 3 दिन वो रहता है, उसके बाद यमराज आता है और ब्राह्मण बालक है तो उसका स्वागत करता है, भोजन कराता है और बाद में कहता है कि तू मृत्यु के द्वार आ गया, अब बोल मैं तुम्हें क्या दूं। 3 वरदान मांगता है नचिकेता। एक तो मांगा वो यज्ञ की पद्धति मुझे बताओ, उनमें कौन सी ईंट चाहिए, कौन सा घी चाहिए, कौन सी आहुति चाहिए, कौन से समीद चाहिए। दूसरी बात वो मांगता है, मैं जब यहाँ से लौटूं तो मेरा पिता मुझे पुत्र का ही प्रेम करे, क्योंकि मेरे बाप को होगा कि इतना बड़ा मौत पर विजय करके बेटा आया तो मेरा पिता निम्न हो जाएगा, वो छोटा हो जाए मैं नहीं चाहता, वो मुझे पुत्र का ही प्रेम करे। होगा ना प्रौढ़, बालक है उम्र में लेकिन जन्म जन्म की प्रौढ़ता लिए हुए हैं। बालकों के शब्द पर बहुत ख्याल करना। तीसरा भी एक वरदान मांगता है, वो टालते हैं यमराज और ये मत पूछो इसके बारे में, वो अप्सरा दिखाते हैं, बहुत प्रलोभन दिखाते हैं लेकिन बालक टस से मस नहीं होता है। तो मौत जब हमको हटाएगी तब हम कहाँ जाएंगे, इसीलिए दूसरों को हटाने से पहले हम हट जाए, हम अपने आप को एक और, क्योंकि कितना रहना है यहाँ, कितना रहना है, कौन कायम है यहाँ। तो मन से, वचन से, कर्म से हम शपथ ले कि हम किसी के जीवन में बाधा नहीं बनेंगे। जो किसी के जीवन में बाधा नहीं करता वो साधु है, वो साधु। जिसका जीवन सीधा साधा है वो साधु है। जो साध्य के प्रति साधना का आरंभ कर चुका है वो साधु है। जो सरल है, जिसके मन में कोई कुटिलाई नहीं है, जो मिलता है उसमें वो सदा राजी है, वो साधु है। शंकराचार्य कहते हैं इस संसार में मनुष्य जीवन दुर्लभ है, मनुष्य जीवन में मनुष्यत्व दुर्लभ है, मनुष्यत्व में साधु होना दुर्लभ है। साधु भगवान कृपा करते हैं तो धनवंत नहीं बना देता, हाँ चाहे तो बना भी सकता है, सुदामा को दे दिया, लेकिन भगवान का स्वभाव है करम सज्जते ही साधु समान, मैं उनको साधु बना देता, मैं धनवान नहीं बनाता। धनवान तो तुम्हारे प्रारब्ध का खेल है, होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नाराज भी क्यों नहीं है, नहीं मिला कौन चिंता का, समाधान कर लो अपने आप को। हम कभी ऐसा समाधान छोटे बड़े आ जाए जीवन में तो जीवन बड़ा आनंद देगा। कई लोग शिकायत करते हैं ना, हमारी बात कोई मानते नहीं, घर में लोग हमारी बात नहीं मानते, हम सच्चे हैं फिर भी नहीं मानते। आपकी बात घर वाले मान ले तो भी राजी हो जाओ कि चलो हमारी बात मान ली, और न माने तो भी राजी हो जाओ क्योंकि हमारी बात नहीं मानी, चलो ममता से बच गए, वरना ममता बन जाती कि मेरी बात मानता है, मेरी बात मान तो ममता पकड़ेगी। तो माने तो भी राजी हो जाओ, न माने तो भी छूटे ममता से। साधु लोग वर्षा कर देते हैं, लोग सुनने वाले माने तो भी ठीक है, न माने तो भी ठीक है, छूटे ममता से, राजी हो जाओ। तो चर्चा है साधु नित जवान रहता है, साधु अमृत की नदी में स्नान करता है, जो अपना जीवन सरल बना देता है, और साधु बहुत व्याख्या रामचरितमानस में भी बहुत व्याख्या। गोस्वामी जी से सुनिए, इस वाक्य को पूर्ति कर रहे हैं गोस्वामी जी। ऐसा साधु अस सज्जन मम
उर बस कैसे लोभी हृदय बस ही धन जय साधो हृदयम मह्यम। नमस्कार, ले आते हैं इस भागवत के शब्दों को मुहर लगा रहे हैं। अस सज्जन मम पुर बस कैसे लोभी हृदय बस ही धन जैसे अस सज्जन मम पुर बस कैसे तो साधु हृदयम मह्यम, साधु मेरा हृदय है। एक बात, दूसरी बात, साधु नाम हृदयम त्वहम, साधु मेरा हृदय है, मैं साधु का हृदय। यहां साधु को बड़ा आदर दे दिया है। क्यों? ये बात बड़ी महत्व की है। मैं साधु का हृदय हूं का मतलब है, कभी कोई साधु जन का हृदय दुभाया तो समझो तुमने मुझे दुभाया। कृपया पूजा मत करो, कोई साधु तुमसे पूजा नहीं चाहता और पूजा चाहने वाला साधु हो ही नहीं सकता। लेकिन भूल से भी कोई साधु के दिल को ठेस मत पहुंचा, क्योंकि वो ठेस साधु को नहीं लगती, उनको लगती है। गोस्वामी जी मुहर लगाते हैं। जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावत सो जरही, जो अपराध सुनु सुरेश रघुनाथ सुभाव निज अपराध सुनु सुरेश उपदेश हमारा, सुनु सुरेश उपदेश हमारा, सुनु सुरेश उपदेश हमारा, सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर अधिकारी। साधु को यदि दुभाया तो मैं दुब जाऊंगा। लोग मुझे सम कहते हैं लेकिन ऐसी परिस्थिति में मैं विषम हो जाता। यद्यपि सम नहीं रागन रोषु गहि न पाप पुण्य गुण दोषु, तदपि करहि सम विषम विहारा भगत य भगत हृदय अनुसारा, तदपि करहि सम विषम भगत भगत हृदय अनुसार, भगत भगत हृदय अनुसार।
उस साधु का हृदय मैं हूं, तो साधु के हृदय सीधे सरल सज्जन के हृदय को चोट पहुंचाना परमात्मा के हृदय को चोट पहुंचानी है। तो मैं साधु का हृदय हूं, साधु मेरा हृदय है। हृदय की बात जैसे भरत राघव का हृदय है, राघव भरत का हृदय, इसलिए तो एक दूसरे हृदय की बात जानते हैं। जब आप एक दूसरे के हृदय बन जाते हैं तभी एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। बुद्धि के स्तर पर तो ठीक है, कुछ समय के लिए तर्क सुलझता है, पुनः नया तर्क उठ जाता है। हृदय से जब बात हृदय हृदय मिल जाता है, वो विवाद उसको कहते हैं जहां बुद्धि बुद्धि मिलती है, संवाद उसको कहता है जहां हृदय हृदय मिलता है, वहां संवाद है। तो हृदय हृदय जब एक दूसरे के, तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस, परम प्रेम, कल महाराज श्री वही चौपाई बोल रहे थे, परम प्रेम पूरन दो भाई। जब श्री भरत जी पहुंचे चित्रकूट, शिथिल अंग मग पग मही डोलही, बिह बल बचन प्रेम बस बोल। कभी इधर लड़खड़ जाते थे, कोई थाम लेता था भरत जी को, कोई उधर लड़ख जाते, कोई इधर उधर। तुलसीदास जी को देखकर याद आया शराब खाना, तुलसी शराब खाने को याद कर, जाहि स्नेह सुरा सब छाके, मानो प्रेम की सुरा में सब छक हो गए। पूरी अयोध्या, न किसी को रास्ते का भान है, न अपने शरीर का भान है, कोई यहां गिरा कोई यहां गिरा, राघव राघव, बस यही दशा में, बिहबल बचन प्रेम बस बोल। बिहबल बचन में डूबे हैं सब। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ा परम प्रेम, तू बड़ी सुंदर चौपाए हैं, सब सुने और गाए, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमेते बिसराई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमेते बिसराई, परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमेत बिसराई, परम कहां पतंजलि के सोपान समाधि के लिए, और कहां यहां प्रेम की पराकाष्ठा। बिसरे वो सभी अपान, सब समाधिस्थ हो गए, जगाना मुश्किल हो गया था। जब पहुंचे ठाकुर के पास श्री भरतलाल जी, हां, क्योंकि हृदय हृदय मिल गए। इसलिए जो राम कहेंगे चित्रकूट की सभा में वही भरत कहेंगे, भरत कहेंगे वही राम कहेंगे, क्योंकि हृदय एक हो गए। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, एक ही बात है, अति पावन पावन नेम प्रेम, अति पावन पावन नेम प्रेम, अति पावन पावन श्रेयसाम पावनाम च पावनम, भागवत में जी लिखा है, नेम प्रेम यति पावन पावन, नेम प्रेम यति पावन पावन। तो हृदय की, हृदय जब एक हो जाए दोनों का, तब दोनों जगह एक ही बात उठेगी।
कभी कभी आप देखिए कोई शिष्य कहेगा कि बाबा दोनों की एक, कोई सदगुरु को याद करेगा, सदगुरु उनको याद करेगा, उसी समय वही पल वही घड़ी दोनों की अनुभूति एक हो जाती, क्योंकि हृदय एक हुआ है सबसे। दुनिया में कई लाइनें तो होती हैं टेलीफोन की फला की, लेकिन बिगड़ती हैं। ये एक लाइन ऐसी है, जुड़नी बड़ी मुश्किल है, लेकिन जुड़ने के बाद कभी टूटती नहीं, कभी बिगड़ती नहीं, और वो है हृदय हृदय की लाइन। सदगुरु से जो कोई जुड़ गया, सदगुरु ने कृपा करके जिसके साथ लाइन लगा दी अपनी अंतःकरण की हृदय की, तो वो पहचान जाता है। इसलिए मैं चित्रकूट की इस भरत कथा को कभी विस्तार से कहेंगे हम, उनमें आप एक एक पंक्ति बड़ी अद्भुत है, बड़ी अद्भुत। प्रेम पूर्ण दशा, पहले तो किनारे पर स्नान किया जाता है, बाद में थोड़ा भीतर उतरते हैं लोग, और सिंधु में उतरना तो जब तरैया हो जाए साधक तब ही जाना चाहिए, और सबको लेने लेकर जाना तब तो बहुत सावधानी के। भरत महा उद्धी है, उसमें तो उतरने के लिए बहुत पहले तैयारियां करनी पड़ती है। इसलिए हम कथा में बहुत संक्षेप में भरत को कहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप तराकू होते चलेंगे लेकर चलेंगे महासिंधु में। भरत है महासिंधु, 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 उसमें तरे तो भी धन, डूबे तो भी धन, धन नहीं धन। अभी तो हम थोड़ा उतरे हैं, थोड़ा थोड़ा बहुत। तमसा के तट की कथा, गंगा के तट की, वो तो नदी है, तैरना आसान है। भरत है महासिंधु, जहां स्वयं ठाकुर डूबे हम और तुम क्या, जहां स्वयं राघव डूबे। मति भई तीर ठाड़ अबलासी, जनक और वशिष्ठ की बुद्धि, वामदेव भी थे वहां, कोई सामान्य महापुरुष चित्रकूट में नहीं आए थे, लेकिन गोस्वामी जी को कोई उपमा नहीं दिखाई दी कि इनकी बुद्धि क्यों रुक गई, क्या क्या दृष्टांत दे गोस्वामी। जनक चुप, वशिष्ठ जी को कहना पड़ा भरत जी को देखकर कि भरत भक्ति बस भय मति भोरी, मेरी बुद्धि भरत के अधीन हो गई, मुझे माफ करे। धर्म न्याय व्याकरण सिद्धांत नीति कर्म विवेक वशिष्ठ जी के जो विषय है, इन सब में मेरी बुद्धि प्रवेश करती है और पूर्ण रूप से मैं साधक को जवाब दे सकता हूं, लेकिन इस प्रेम पूर्ण दोनों भाइयों में मेरी बुद्धि काम नहीं कर, मुझे क्षमा करें। जनक जी के सामने सबने देखा कि आप कुछ बोले, अष्टावक्र के साथ एक आसन पर बैठने वाले ये महापुरुष, हाँ कोई सामान्य आदमी नहीं। जनक वो कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, भरत के बारे में कुछ कहना अपराध का डर लगता है। दोनों में से कहीं एक का दिल दुभा तो तकलीफ हो सकती है। तो फिर तुलसीदास जी कहते हैं इन महापुरुषों की बुद्धि कैसे रुक गई, तो एक दृष्टांत बड़ी मुश्किल से गोस्वामी जी ने ढूंढा कि महिला गई हमारे देहातों में, ऐसा दिखाई देता था, अब तो देहातों में भी नहीं बस, लेकिन हमने बचपन में देखे, आपने भी देखा होगा कि छोटे बड़े गांवों में अनाज पीसने की चक्की नहीं होती, चार पांच गांव के बीच में कहीं मुश्किल से एक होती, तो लोग वहां अनाज पिसाने के लिए जाते थे। तो पुरुष गया है काम, महिला बालकों को घर छोड़कर डिब्बे में या जोली में अन्न लेकर बाजरी गेहूं लेकर जाती है, वर्षा ऋतु के दिन है, और अनाज पिसाने के बाद वो आई और अपने गांव के बाहर एक बड़ी नदी है, वर्षा ऋतु के कारण उसमें अफाट बाढ़ आई, तो महिला नहीं उतर सकती, खड़ी रहती है जब तक पानी उतर जाए, तब तक वो नहीं। तुलसीदास जी ने देहातों से दृष्टांत लिया, मति भई तीर ठाड़ अबलासी, जैसे अबला खड़ी रह जाए वैसे वशिष्ठ, ऐसे महापुरुषों की बुद्धि भरत और राघव के संवाद को सुनकर अबला की तरह खड़ी रहती कि नहीं नहीं इनमें उतरना मरना है,
अपने आप को समाप्त करना है, इनमें उतरे खतरा है, मरे भंवर में फंसे, बहा देंगे ये। तो भरत कथा महासिंधु की कथा। लेकिन वहां पहुंचते दोनों का हृदय जब एक हुआ तो क्या बोलते हैं, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर करुणा सागर की जय मैं जानहू निज नाथ सुभाव, 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 अपराधी कर कोहन काहू, अपराधी कर कोहन काहू। तो साधु का मैं हृदय हूं और साधु के हृदय को दुभाना। राम डरते हैं चित्रकूट की सभा, डरे हैं, प्रसंग का समय रहा तो कहेंगे डरे हैं, भगवान कहां पर है कि कहीं भरत के दिल को चोट न लग जाए। इसलिए कहते हैं भाई बहुत संभालता हूं अपने आप को, फिर भी बहुत सरलता से बहुत मृदु वाक्य कहने जा रहा हूं, लेकिन तेरे हृदय को देखता हूं तो इतने मृदु वचन भी मुझे कठोर लग रहे हैं कि मैं फूल पर प्रहार कर रहा हूं वज्र का। मेरे बचने के आघात को क्षमा करना, क्षमा करना। डरते हैं तो हृदय हृदय जब एक हो जाता है तब संवाद शुरू हो जाता है। तो साधु मेरा हृदय है, मुझे दुभाओगे तो मुझे तो तकलीफ नहीं होगी, साधु को तकलीफ होगी। मूर्ति को खंडित कर दो, मूर्ति को क्या रोएगी, रोएगा साधु कि मेरे मंदिर की मूर्ति खंडित हो। और उनकी मूर्तियां चलती फिरती जो है, ये सब उनकी मूर्तियां हैं, जिन्होंने इन मूर्तियों में ठाकुर नहीं देखा वो क्या देखेगा मूर्तियों में ठाकुर। तो इन मूर्तियों को जो खंडित करेगा निंदा से, ईर्ष्या से, द्वेष से, दंभ से, अपने अपनी अंतःकरण की मलिन वृत्तियां से, तो साधु दुखी होता है, साधु को कष्ट होता है। कोई किसी का अपमान करे, कोई किसी को गाली दे, कोई किसी को मारपीट करे तो सही अर्थ में साधुओं को कष्ट होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के हृदय हैं। इसलिए इन सूत्रों को ठीक से समझ लेना। साधवो 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 हृदयम् 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 मह्यम् 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 साधुनां 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 हृदयम् 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 त्वहम् मदन्यत् 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 तेन 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 जानन्ति 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 नाहम् 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 तेभ्यो 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 मनागति
मनागति मनागति मनागति। तो साधु है मेरा हृदय, मैं हूं साधु का हृदय। दूसरा भाग, साधु मुझको छोड़कर और कुछ नहीं जानता। अद्भुत है, उनको जान लेना ही सभी शास्त्रों को जान लेना है। सभी शास्त्रों को जान लेना परमात्मा को जानना नहीं है, परमात्मा को जान लेना ही सभी शास्त्रों को जान लेना है। साधु वो है जो मुझसे मेरे सिवा कुछ जानना नहीं चाहता। इसलिए हम कल एक सूत्र उपनिषद का रख रहे, संयोग दीक्षा, संयोग दीक्षा, संयोग दीक्षा, संयोग दीक्षा। दीक्षित किया जाता है ना साधु को। दीक्षा क्या है? प्रभु का संयोग ही उसकी दीक्षा है, बाकी सब दीक्षा बेकार है। उपनिषद कहती है संयोग ही दीक्षा, प्रभु से मिलन हुआ तो ही तुम दीक्षित हुए, वरना तुम सगाई भी नहीं हुई। शादी का तो छोड़ो, सगाई भी नहीं हुई, शादी का तो बहुत देर की बात है। संयोग दीक्षा, संयोग दीक्षा, संयोग ही उसकी दीक्षा है। नित्य संयोग, प्रतिपल संयोग, कोई भी स्थिति में संयोग, बस वही दीक्षा है। इस सूत्र की कभी और चर्चा करें। वियोगोपदेश, साधु के लिए उपदेश क्या है? वियोग ही उसका उपदेश। आहा, विरह और वियोग ही उपदेश है, और कोई उपदेश यहां है ही उपदेश सच्चा। आपको वियोग लग गया तो आपको उपदेश हो गया, विरह लग गया, विरह ने आपको ग्रस लिया, उपदेश हो गया, और उपदेश क्या? बस वियोग ही साधो तेरा उपदेश। तो कहने का मेरा मतलब है, जो परमात्मा के सिवा और कुछ जानता नहीं, केवल परमात्मा को जान लेता है, पूर्ण रूपेण प्रभु को जान लेता है, और ये बात तो ठीक है, अद्भुत तो है, लेकिन ठीक है दूसरी बात के तुलना में कि साधु वो है जो परमात्मा से अतिरिक्त कुछ जानना नहीं चाहता। लेकिन परमात्मा कहते मैं भी साधु से अतिरिक्त कुछ जानना नहीं चाहता, बस मैंने साधु को जान लिया, बस मैं भी पूरा, मुझे साधु के सिवा कुछ जानना नहीं है। क्यों आता है? परित्राणाय साधुना, परित्राणाय साधुना, नहीं लिखा है परित्राणाय देवानाम। देवता तो बिचारे स्वकार्य कुशलाहा सुराहा, भागवतकार कहते हैं देवता तो स्वकार्य कुशला है, बड़े अपने कार्यों में कुशल है, परमार्थ में कुशल नहीं। भागवतकार ने बड़ी आलोचना की है देवताओं की। स्वकार्य कुशलाहा सुराहा, भागवतकार कहते हैं जब अमृत का कुंभ लेकर आए सुखदेव जी के पास, परित्राणाय साधुनाम, परित्राणाय साधुनाम। तो यहां साधु शब्द का प्रयोग है, इनके लिए मैं आता हूं, क्योंकि मैं साधु को ही जानता हूं, बस साधु के सिवा बस मैं और कुछ जानना नहीं चाहता। साधु को जानता हूं मैं, मीरा को जान लेता हूं मैं, श्री राधे जी को जान लेता हूं मैं, तुकाराम को जान लेता हूं मैं, नरसिंह को जान लेता हूं मैं, एकनाथ को जान लेता हूं, बस इनको जान लिया, बस हो गई बात, पूरा जगत जान लिया। तो श्रीमद् भागवत कार ऐसे कौन देश दे सकता है ऐसा सूत्र, कौन दे सकता है ऐसे सूत्र? और सभी हम आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन सभी जगह हैं, वो तो क्या कहे, उधार लिए हुए हैं, उधार लिए, और उधार कब भूल कर दे क्या पता, उधार नहीं है हमारा। तो भारत का जो है, ऋषियों का जो है, आचार्यों का जो है, शुकाचार्य का जो है, नगद है उधार में। उधार में तो एक चर्च में पादरी भाषण कर रहा था,
बेचारा क्या जाने, अनुभव तो नहीं रहा होगा कुछ, लिबास पर से और स्थान से लोग पूछते थे। तो वो रोज जब प्रवचन करता रविवार को तो बहुत तैयारी करनी पड़ती थी, 7 दिन तक बड़ी मुश्किल रहती उनको, सब सब कागजात तैयार कर ले, क्या दृष्टांत देना, कौन वो करना, सब तैयार कर। तो वो आपने कहानी सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, एक चमत्कार की बात है जो जीसस के जीवन में जुड़ी गई है। तो वो गया तो लोग चर्च में बैठे थे, सुन रहे थे, तो उस पादरी महाशय ने कहा कि भगवान जीसस क्राइस्ट यीशु 24,000 शिष्यों के साथ एक बार जंगल में निवास कर रहे थे, तब रोटी केवल 6 थी और 6 रोटी में उन्होंने 24,000 शिष्यों को खिलाया और फिर भी रोटी बची, ऐसी कथा है, चमत्कारिक कथा है। 24,000 शिष्यों को जीसस ने 6 रोटी में तृप्त कर दिया, फिर भी रोटियां बची, ऐसी कथा है। लेकिन वो बेचारा उधार लेकर आया था सब, तो जब बोलने गया तो बोला कि जीसस जंगल में गए तो 24,000 रोटी थी और खाने वाले 6 शिष्य थे, जीसस ने चमत्कार करके 6 को खिला दिया और तो भी बची, बचे के ही। सब लोगों ने सुन लिए क्योंकि आधे तो सोते थे, सोए हुए थे। एक आदमी था जागृत होश वाला, पीछे बैठा था, कहा कि महाराज क्षमा करे, महोदय जरा ठीक से बोलो, वो जीसस नहीं, मैं भी कर सकता हूं, लाओ 24,000 रोटी और 6 आदमी, मैं भी खिला सकता हूं और बाकी रह जाती। और तब उसको पता लगा कि चूक हो गई, शास्त्र में निंदा करो नरक में जाओगे, पंडित था पुरोहित था, गालियां देने लगा, नरक में जाना पड़ेगा, तुम हमारे सामने बोल रहे हो, ये शास्त्र की बात है, जीसस की बात है। वो भी समझ गया कि चूक तो हुई, और जब चूक हो जाती है तब बड़ी मुश्किल हो जाती है। जब जब हम बोल रहे हैं ऐसा अनुभव, ऐसा जब अहंकार आता है ना, तब चूक होती है, वक्ताओं के जीवन में बहुत खतरा होता, भूल हो जाता। हम कभी कभी एक बात कहते हैं, अब तो आप हमारे हो गए इसलिए आपको कहने में कोई तकलीफ नहीं, एक बार हमसे बहुत बड़ी चूक हो गई कथा में, कितनी साल, करीबन 15-20 साल हुई होगी कथा गाते गाते, हमको 25 साल हुई है। एक बार ऐसा हो गया, शुरू में हो गया, कबूल कर लेते, आज हमको कुछ होता है कि ऐसा हो गया, लोग सुन रहे हैं, हम कथा कह रहे थे, उस वक्त संगीत और कुछ नहीं, ऐसे ही बोलते थे। तो भगवान राम जी अयोध्या से निकले और सीधे हमने पंचवटी पहुंचा दी, चित्रकूट आया ही नहीं बीच में, पता नहीं कैसे गए ठाकुर, 3 घंटे तक बस पंचवटी ही, और उसमें भी सोए होंगे श्रोता, वरना तो को कहता कि महाराज चित्रकूट कहां गया, लेकिन वहां भी उस वक्त भी ऐसा हुआ होगा। किसी को तो मेरे ख्याल से या तो कोई पूछ नहीं सके होंगे या कुछ ने किसी ने कहा नहीं जो, लेकिन ये चूक होने के बाद हमको होश आ गया कि बड़ी भूल हो गई, कि चित्रकूट जो इतनी महत्व की कथा वो बिल्कुल आई नहीं कथा। हाँ कह देते कि भाई हम संक्षेप में कह देते भगवान चित्रकूट गए और वहीं से तो बात बन जाती, लेकिन हमको भी पता नहीं चित्रकूट निकल ही गया, भगवान जाने क्या हुआ, शायद ठाकुर को जल्दी हो गई कि नहीं चित्रकूट में नहीं जाना, जल्दी राक्षसों को मार दे, पहुंचा दे पंचवटी, क्या हुआ पता। लोग तो अब पंचवटी की कथा तो लानी ही पड़ेगी, भरत की भेंट पंचवटी में हुई, ऐसा सब गड़बड़ हो गया, करे भी क्या, अब अपने आप को बचाए कैसे, कुछ तो करना पड़े, और पंचवटी की कथा तो लानी ही पड़ती क्योंकि वहीं से सीता जी का अपहरण हुआ, अपहरण नहीं होता तो रामायण रुक जाती, तो करे क्या। अब हम कहे कि पंचवटी से भगवान पंचवटी में ठाकुर आए और वहां से रावण ने सीता का अपहरण किया, तो लोगों के मन में बात बैठ जाती कि ये क्या मामला है, अभी तो पंचवटी की बात चल रही और
पुनः कैसे पंचवटी आ गई? भगवान ने यात्रा की फिर भी, और उसके बाद हमने होशियारी की, माफ करें, तो हमने पूरी कथा में पंचवटी की जब तक कथा कही तो पंचवटी का नाम नहीं लिया। गोदावरी के तट पर परमात्मा आए, गोदावरी के तट पर भगवान आए, गोदावरी के तट पर रावण आया, गोदावरी, पंचवटी का नाम ही नहीं लिया मैंने। जितना सफाई हो सके की अपनी ओर, होता है भाई। कठिन वैन अण भंग, कठिन भाषण बहु जन्म है, अन कठिन पाल वो ने कठिन है। कोई बुलाता है, कोई स्विच ऑन करता है, और एक वाजिंत्र की तरह किसी के अंगुलियां हृदय के तारों को जंकार कर देती हैं और संगीत निर्माण हो जाता है। ये भाव बना रहे तो ही, वरना कल मैं कह रहा था विवेक चुड़ामणि की बात, शंकराचार्य महाराज कहते हैं बोलना भी एक विलास है, भोग है, मुक्ति नहीं है। तो पादरी ने भूल की 24,000 रोटी और 6 खाने वाले। उस आदमी ने कहा कि मैं भी खिला सकता हूं, 6 व्यक्ति और 24,000 रोटी। उसने कहा शास्त्र में शक मत करो, बात उड़ा दी, लेकिन लग तो गया दिल में कि मैंने भूल की। दूसरे रविवार को पक्का करके आया कि अब जरा भी चूक नहीं करनी, और वही बात, वही वो आदमी भी आया। पादरी ने देखा कि वो आया है, कहीं दूसरी बार भूल ना हो, तो अब ठीक से बोला कि जीसस अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए, 24,000 शिष्य थे और 6 रोटी थी, 6 रोटी से 24,000 को खिलाया और फिर भी रोटी बची। उस आदमी पुनः खड़ा हुआ कि मैं भी कर सकता हूं। बोले 24,000 शिष्यों को 6 रोटी आप खिला सकते हैं? बोले हाँ, गत रविवार की जो बाकी पड़ी है वो भी परोस दूंगा। जो 24,000 थी ना गत रविवार की, 6 को खिलाया था, बाकी अभी मैंने रखी है, मुझे पता था कि तू आने वाला है घूम घूम कर, इसलिए मैंने बचाई है, वो परोस दूंगा। पादरी ने पैर पकड़ लिए कि तुम अगले रविवार से प्रवचन में मत आया करो। उधार नहीं नगद चाहिए, बुद्धि में भरा सब उधार है, हृदय से उठा सब नगद है। बुद्धि में जितना भरो सब उधार है, और हृदय से जितना उठता है वो सब नगद है। नित नूतन है स्वादु स्वादु पदे पदे, प्रति पद प्रति सूत्र स्वाद देता है जो हृदय से उठता है। साधवो हृदयम मह्यम, साधुनाम हृदयम त्वहम। बड़े मूल्यवान सूत्र है, उसको आप ठीक से समझो। साधु वो है जो मुझसे अतिरिक्त कुछ नहीं जानता, चाहता भी नहीं, और मैं साधु के सिवा कुछ नहीं जानता। क्या आदर दे दिया साधुओं को, मैं साधु के सिवा कुछ नहीं चाहता। तो साधु को इतना आदर मिला है, ऐसे साधुओं की संगति कर लो। मेरे पास जिज्ञासा आई, साधु सानिध्य का क्या अर्थ है और साधु सामीप्य का क्या अर्थ? साधु सानिध्य किसको कहते हैं और साधु सामीप्य किसको कहते हैं? बड़ी अच्छी बात है, शब्द ज्यादातर एक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। सानिध्य हमको मिल गया, सामीप्य मिल गया, दोनों में बड़ा अंतर है। है थोड़ा सा, लेकिन समझो तो बहुत बड़ा अंतर, पर समझना ही चाहिए। सानिध्य उसको मिला है जो साधु के पास पहुंचा है, और सामीप्य उसको मिला है साधु जिसके पास पहुंचा है। सानिध्य वो है, तुम आ गए साधु के पास, कुछ यात्रा की आपने आए। सामीप्य वो है, साधु आ गए आपके पास। तुम आ गए तो तुम्हें विदा भी दी जा सकती है कि हो गया जा, लेकिन वो आ गया तो विदा का कोई प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वो स्वयं आया है।
सामिप्य और सानिध्य का राज समझ लीजिए, इतना ही फर्क है। है बड़ा चौड़ा यदि देखे अनुभव में। सानिध्य में एक एक और भी आप ऊपर जाएं तो आप अनुभव कर सकते हैं। सानिध्य तक सहानुभूति रहती है, सामिप्य में समानुभूति हो जाती है। सानिध्य होगा सहानुभूति, साधु का सानिध्य मिल गया तो सहानुभूति बरसेगी आप पर, बरसेगी जरूर। लेकिन साधु जब आ गया तुम्हारे पास, सेवक सदन स्वामी आगमन, अब तो मंगल मूल अमंगल दमन। साधु जब आया तब समानुभूति है, और समानुभूति का अर्थ बड़ा प्यार, हमने कवि कथाओं में कहा ये सदगुरुओं का जीवन है जो समानुभूति कर लेता है। समानुभूति करेगा तो ही तुम्हारे पास आएगा, वरना नहीं आएगा। सहानुभूति की जब तक वो ध्यान रखेगा कि सहानुभूति तब तक ठीक है ये साधक, तब तक आपको ही जाना पड़ेगा। समानुभूति जब तुम बीमार हो जाओगे तब वैद्य आपके पास पहुंचता है, देखने वाले आपके पास पहुंचता है, क्योंकि आपकी पीड़ा जब उसको चुभने लगती है, किसी ने खबर कर दी और आपकी पीड़ा उसकी पीड़ा हो गई, तब वो दौड़ता है। तब तुम भी बीमार नहीं, वो भी बीमार हो जाता है। सदगुरुओं की बड़ी महिमा है। सदगुरु वो है जो पहले दर्द देता है बाद में दवा देता है। बिना चोट किए तुम पर तुम्हें दवा का कभी अनुभव नहीं हो सकता, इसलिए सदगुरु पहले चोट करता है, आघात करता है तुम पर, और बाद में दवा भी देता है। कौन सी दवा? जा सुनाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल सौ कृपाल मोहितो ही पर सदा रहो अनुकूल। तो समानुभूति होती है, सामिप्य में समानुभूति है, सानिध्य में सहानुभूति है। समानुभूति जो हमने आगे कथाओं में भी कहीं कहा है कि वहां जो होता है यहां होने लगता है। रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ गंगा जी में नौका में बैठे थे, उनके जीवन में कथा आई। और रामकृष्ण परमहंस का नियम था, वो बहुत कम बोलते थे, और उनके पास जब शिष्य वृंद होते तो एक ही उसका नियम था कि करो तो भगवत चर्चा करो या मौन रहो, यही उनका नियम था। अगल बगल में जो शिष्य थे भगवत चर्चा ही, जो कल चर्चा हो रही थी कि स्वामी जी कहते थे कि जीवन संबंधी ही पूछो वरना बेकार मत पूछो। बहुत अच्छी बात, साधुओं के पास बिल्कुल हमको गले क्या अंदर उतर गई बात, बिल्कुल ठीक है। साधुओं के पास जाकर जीवन संबंधी ही बात पूछो, संसार के संबंधी बात संसारियों को पूछो जो जिसमें निष्णात है। एक आदमी ने हमको नई कार में बिठाया, मध्य प्रदेश में हम कथा कर रहे हैं, बलात् बोले हमारी गाड़ी में बैठो। हमने कहा कि भाई ये यजमान लोग, बोले नहीं नहीं हमारा बहुत भाव है आप बैठो। हमने कहा ठीक है, हमको तो किसी की गाड़ी में बैठना है, कोई भी गाड़ी में बिठाए। एक आदमी ने मुझे पत्र लिखा कि आप लकड़ी की चाखड़ी पहनते हैं और कार में मुसाफरी करते हैं, बोलो तो अब क्या करें? मैं महुआ से चलकर यहां आऊं सुखता क्या करूं बोलो? और प्रश्न उठाने वाले तो कोई भी प्रश्न उठा लेते, आप लकड़ी की खड़ाओं पहनते हैं और गाड़ी में कार में मुसाफरी करते। मैंने कहा उसको पता नहीं कार में नहीं, हम हवाई जहाज में मुसाफरी करते, उसको कार तक का ही पता रहा। हमको क्या लेना देना है, कोई गाड़ी में बैठ गए बैठ गए, क्या लेना। सूरत में एक पत्रकार महिला ने मुझे पूछा कि आप त्याग बैराग की बात करते हैं और जिस गाड़ी में आप जा रहे हैं कथा मंडप पर वो तो बड़ी विदेशी गाड़ी है, एसी लगा हुआ है उसमें और आप उसमें बैठते हैं। मैंने कहा देखो बहन, मैं कथा स्थान से कथा मंडप निवास से कथा मंडप तक जाता हूँ, जो गाड़ी हो बैठ जाता, लेकिन गाड़ी से उतर जाने के बाद मुझे पता नहीं कौन गाड़ी, लेकिन तुझ में जो गाड़ी बैठ गई वो उतरने वाली नहीं। अब मैं तो गाड़ी में बैठता हूँ उतर जाता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी पहुंचना है। एक बार हम आज कथा होगी कि नहीं भगवान जाने क्या होगा, लेकिन जितनी मस्ती लूट ले और क्या है।
आनंद ही। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी में से सदगुरु की आनंद धन भाग हमारे आज हुए धन भाग हमारे आज हुए शुभ दर्शन ऐसे सदगुरु के शुभ दर्शन ऐसे सदगुरु के पावन किनी भारत भूमि पावन किनी भारत भूमि बलिहारी बलिहारी ऐसे गुरु नाम रूपी जल वर्षा कर गुरु नाम रूपी जल वर्षा कर गुरु धर्म बगीचा लगा दिया गुरु धर्म बगीचा लगा दिया खिल रही है कैसी फुलवारी बलिहारी ऐसे सदगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की व्याख्यान छटा दिम इंद्र घटा बरसत वाणी अमृत धारा बरसत वाणी अमृत धारा ये मधुरी मधुरी अध मधुरी 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 अध मधुरी बलिहारी आनंद बरस रहा बलिहारी ऐसे सदगुरु की बलिहारी ऐसे तम सर्वभूत हृदयम मुनि मान तो उसमें ऐसे सदगुरुओं की ये बलिहारी है। तो परमहंस का नियम था कि साथ में बैठने वाले शिष्य वृंद या तो भगवत चर्चा करें संकीर्तन करें या चुप रहें। तो परमहंस तो बड़ी मस्ती में रहने वाले आदमी थे, बैठे थे मस्ती में।
नौका जा रही थी, बनी घटना। शिष्य लोग कुछ कीर्तन वगैरह कर रहे थे, इतने में परमहंस चिल्लाने लगे, मुझे मत मारो, मत मारो। बाबा क्या हो गया? बोले मुझे एक आदमी कौड़ा मार रहा है। अरे महाराज, यहां तो हम हैं, नौका है गंगा जी में। बोले हाँ, मुझे कौड़े लग रहा है। कहां से? बोले देखो, तुम कीर्तन कर रहे थे, सामने तट पर एक आदमी अपने बालक को कौड़ा मार रहा, और मैंने देखते ही समानुभूति हो गई। बाबा, बोले हाँ, ऊपर का उपवस्त्र जब हटाया तो परमहंस के शरीर में कौड़े के निशान लगे हुए। समानुभूति है। जितने जितने सिद्ध सदगुरु हुए हैं संसार, उसको महारोग के भोग क्यों बनना पड़ा? क्यों? आपने कभी शास्त्रों में पढ़ा है कि परमात्मा को बुखार आया, परमात्मा को क्षय रोग हो गया, परमात्मा को कैंसर हो गया, महाव्याधि हुई? कभी नहीं। तो सदगुरु और संत तो परमात्मा से भी ऊपर है, तो उसको रोग हो सकता है क्या? नहीं हो सकता था। लेकिन सदगुरुओं को महारोग हुआ है, जितने जितने सिद्ध हुए हैं। क्यों? उन्होंने भक्तों से समानुभूति कर ली, अपने भक्तों, अपने निज सेवकों की पीड़ा अपने ऊपर उठा ली। क्योंकि सदगुरु में तो होती हैं हजारों माताएं, बालक सो जाता है बीमार और मां रोती रहती, बीमार बीमार। सदगुरु जागता है, साधक को पीड़ा से मुक्त कर देता है। समानुभूति होती है। इसलिए सदगुरु लोग व्याधिग्रस्त हुए हैं, उसको रोग हो सकता है कभी। एक कारण ये है, पीड़ाएं ले लेते हैं, दर्द ले लेते हैं, समानुभूति के कारण। एक कारण यह है, कभी कभी लोग पूछते हैं कि बड़े सिद्ध पुरुषों को, परमहंस को कैंसर क्यों हो गया? महावीर को पेट का दर्द हो गया था, मरे तब, महावीर स्वामी को, और बुद्ध ने एक जहरीली भिक्षा पाली और पीड़ा हुई और मरे, ऐसा उसके जीवन में आया। जितने बड़े बड़े महापुरुष हुए, महाव्याधि हुआ, क्यों? एक तो ये कारण, भक्तों की व्याधि ले लेते। दूसरा कारण है, जो भजन करते करते अपने देह से आत्मा को विलग करता है, उसकी देह क्रुश हो जाएगी। जो अनुभव करने लगता है कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा देह से जब विलग मान लेता है, तब जैसे बैलगाड़ी के बैल छूट जाते हैं तो वो बैलगाड़ी खड्डे में गिर जाती है, टूट जाती है। जब तक बैल जूते हुए हैं तब तक वो सही मार्ग, वैसे आत्मा सारथी बनकर इस देह के रथ को चलाता है, लेकिन जब आत्मा का सारथी विलग हो गया तब ये रथ शिथिल होने लगता है, क्योंकि अब उनको चिंता नहीं रही ना, छूट गया रे। नाहम देहो, नाहम देहो, नाहम देहो, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, कुतो में, कुतो में, कुतो में। तो जब सदगुरु आत्मा को, इसलिए तो सदगुरुओं को भी कोई ना कोई खीटी रखनी पड़ती है, जैसे कुर्ते को लटकाने के लिए आप, हम संसारी लोग खीटी रखते हैं, वैसे सदगुरु लोग भी कोई ना कोई बात पकड़े रहते हैं, वरना बैल छूटे तो बैलगाड़ा धीरे धीरे बेकार हो जाता है। तो कुछ कारण है। इसलिए एक मान्यता ऐसी है कि समर्थ सदगुरुओं के पास अपनी पीड़ा की बात न करें, क्योंकि समानुभूति करने में देर नहीं लगती, और वैश्विक संपदा उसमें आप आघात कर सकते हैं। साधु वैश्विक संपदा है,
त्रिलोकी की संपदा है। बेकार कहा होगा कि साधु मेरा हृदय है, बेकार कहा होगा ठाकुर, यह है त्रिकोल त्रिलोक की संपदा साधु लोग। इसलिए सिद्ध पुरुष लोग समानुभूति बहुत कर लेते, जल्दी कर लेते, जल्दी कर लेते। बालक रोता है ना गांव में, अब तो अब सब वो पुरानी बातें मिटती जा रही हैं। बालक पलने में रोएगा और माँ गई है नदी के तट पर कपड़े धोने को, वो रोएगा तो उनका जी जलने लगेगा, सीने से दूध फूटने लगेगा। समानुभूति दौड़ती है तुरंत। नारायण दास जी साईं बाबा के पास रोज जाते, उसका नियम था कि साईं बाबा का दर्शन, शिरडी वाले साईं बाबा, उनका दर्शन करने के बाद ही भोजन करते थे। तो कभी कभी बहुत बड़ी कतार रहती थी साईं बाबा के पास, तो उसको और सूर्यास्त पहले ही भोजन करते थे। तो कभी कभी सूरज डूब जाता और बाबा के दर्शन का नंबर नहीं लगता, और साधु था तो लाइन तो नहीं तोड़ता जब मौका मिले, समय मिले। तो कभी कभी दो तीन दिन भूखा रहता था। एक दिन साईं बाबा को अवसर मिलते ही नारायण दास ने कहा कि बाबा आपके दर्शन के बिना मैं खाना नहीं खाता, सूर्योदय से पहले ही खाता हूँ। कभी बड़ी लंबी कतार होती है तो सूर्यास्त हो जाता है तो बाद में मैं नहीं खा सकता, तो बाबा कुछ आप कृपा करें। बोले ऐसा करो नारायण, अब तुम यहां मत आना, मैं आऊंगा। नाचने लगा नारायण दास, आप आएंगे? बोले हां। लेकिन साईं बाबा ने बड़ी पते की बात कही, पहचानना। अरे बोले मैं आपको ना पहचानूं क्या, मैं मेरे साईं को ना पहचानूं? हो ही नहीं सकता, आप मेरे जीवन है, मेरे साईं हैं आप। बोले तो ठीक है, थाल तैयार रखना, मैं भी खाऊंगा। नारायण दास ने थाल तैयार किया। आज तो उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं, आज मेरे साईं आने वाले हैं, आज मेरा ठाकुर आ रहे हैं, मेरा भगवान आ रहा है, मेरा सदगुरु आ रहा है। तो साईं तो नहीं आए, कुत्ता आया। और नारायण ने कहा हटो हटो, अभी सदगुरु आने वाले हैं और तुम कहां बीच में आ खड़े। लेकिन हटाने, अरे हटो, कुत्ते को बहुत हटाने की चेष्टा, लेकिन वो करीब करीब आने लगा तो नारायण दास से नहीं रहा गया, लाठी लेकर कुत्ते को तीन लाठी मारी। शाम तक बैठा रहा, साईं नहीं आया, और गया कि बाबा आपने वचन तोड़ डाला, आप नहीं आए, अकेले बैठे थे साईं बाबा। तो गए नारायण दास थाल बनाकर, आप नहीं आए? बोले मैं आया तो था लेकिन तूने लाठी मारकर भगा दिया। आप? बोले तेरा कुत्ता बनकर आया था। सदगुरु की करुणा देखिए, नारायण के मन में बात नहीं बैठी, कुर्ता निकाला तो पीठ पर तीन लाठी के निशान लगे हुए, बड़ा अपराध हो गया। बाबा मैं चुक गया, मुझे क्षमा करो, कल बोले आऊंगा, पहचान लेना, लाठी वाला मामला बंद रखना। दूसरे दिन नारायण के द्वार भोजन हुआ है, बड़ी प्रतीक्षा, अब नहीं चुकने वाला, अब कुत्ता आए तो पैर पकड़ लूंगा। लेकिन आज कुत्ता नहीं आया, आज कुष्ठ रोगी आया, लकड़ी हाथ में है, कुष्ठता रक्त पीत बह रहा है, मुझे भोजन दो। तो नारायण ने कहा ये कहां से आया, इससे तो कुत्ता अच्छा था, ये तो कुष्ठ रोगी है। दिया धक्का, गिरा दिया, रोगी पड़ा। शाम तक साई नहीं आए, गए पुनः, चिल्लाया बाबा आज भी नहीं आए। बोले आता तो हूं लेकिन तू धक्का देकर निकाल देता है, क्या करूं? बोले आज? बोले मैं कुष्ठ रोगी के रूप में आया। समानुभूति, सानिध्य का अर्थ है आप साधु के पास जाओ, सहानुभूति करेगा। और सामीप्य का अर्थ है साधु आपके पास आएगा, समानुभूति कर लेगा। साधवो हृदयम मह्यम, साधवो हृदयम मह्यम, साधुनाम 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 हृदयम 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 त्वहम त्वहम। तो ऐसी महत्व की बात करने वाले शुकाचार्य, इनके चरणों में प्रणाम करके अब हम कथा में प्रवेश करें। इति मानस भागवतम। आइए
अब भगवान नाम का कुछ समय कीर्तन करे, उसके बाद नाम की महिमा गाना है। राम जन्म तो भगवान जाने कब हो, और रावण तो भगवान जाने कब मरे। मरना हो तो मरे, भले बेचारा जिंदा रहे तो भी कोई सवाल नहीं, लेकिन जो मस्ती आ रही है उसको कैसे हम अनदेखी कर सके। इसलिए आएंगे भाव से हरि नाम संकीर्तन कुछ समय के लिए करें। अज गोविंद 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 मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला
गज मुरली मनोहर बंदलाला भज मुरली मनोहर मंगलाला भज मुरली मनोहर भज गोविंद गोविंद गोपाला हरि बोल 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 हरि बोल
श्री यमुने महारानी की श्री वल्लभाधीश की हर हर महादेव। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, क्यों हे ठाकुर हे प्रभु तुम्हारे स्मरण का उजाला हमारे साथ रखो, स्मृति बनी रहे स्मरण बना रहे। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, क्योंकि न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, कब जीवन की संध्या आ जाए, इसलिए उनका नाम उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो गई। इसलिए आइए अब प्रवेश करें श्री रामचरितमानस में। महामंत्र सोई जपत महेशु काशी मुकुति है रूप दे, जपत महेशु काशी मुकुति है रूप दे, काशी बंदव नाम राम रघुबर को, बंदव नाम राम रघुबर, अब बंदव नाम राम रघुबर को, बंदव नाम राम रघुबर को, हे तू किसान कर तू, हे तू किसान भानुहीन कर तू, हे तू किसान भानुहीन कर तू, हे तू किसान भानुहीन कर तू। राम नाम है वेद का प्राण, राम नाम है विधि हरिहर मई,
राम नाम है सूरज अग्नि और चंद्र का बीज तत्व। इस नाम भी है और महामंत्र भी है राम। इसलिए इस राम महामंत्र को भगवान शंकर जपते हैं और काशी में मुक्ति प्रदान किया करते हैं। राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, ये बात सुनकर शिवा भी राम राम बोलने लगी। वरना शिवा को भवानी का नियम था कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती थी, और कभी कभी रसोई में देर हो जाती तो भूत भावन भूखे हो जाते और शिवा को कहते पार्वती को कि आप जल्दी रसोई बनाया करो। बोले मेरा नियम है कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करूं, उसके बाद ही मैं वो करूं। तो भगवान शंकर ने कहा तुम्हें विष्णु सहस्त्र नाम का फल चाहिए ना, तो तुम एक बार राम बोलो, विष्णु नाम सहस्त्र नाम के बराबर हो जाएगा। इसका अर्थ विष्णु सहस्त्र नाम का मूल्य कम नहीं है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधन। प्रभ विष्णवे, जिसका नाम स्मरण करने से ये घटना घट जाती है उनका मूल्य कम नहीं है। विष्णु सहस्त्र नाम पर बहुत विद्वानों ने टिकाएं लिखी, कितने कितने बड़े दो तीन इतने बड़े वॉल्यूम है विष्णु सहस्त्र नाम पर, एक एक नाम पर बड़ो मनोवैज्ञानिक ढंग से टिका हुई। तो विष्णु सहस्त्र नाम कोई कम नहीं है, लेकिन राम नाम विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। समय मिले तो विष्णु सहस्त्र नाम का अवश्य पाठ करो, अद्भुत है। लेकिन यदि समय नहीं रहा और आपको ऐसा लगे कि व्रत भंग हो गया, आज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं हुआ, तो गोस्वामी जी कहते हैं एक बार पूरे दिल से राम बोलो, सहस्त्र नाम ततुल्यम, राम नाम वराम, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वराम। तो राम नाम की ये महिमा है, और शिव जी के साथ शिवा भी यही नाम का सुमिरन करने लगी। उनका बेटा गणपति जी नाम का प्रभाव जानते हैं, इसलिए उसकी पहली पूजा हुई, गणेश जी की प्रथम पूजा हुई नाम के प्रताप से। वाल्मीकि जी नाम को उल्टा जपे तो भी विशुद्ध हो गए, उल्टा नाम जपते जपते। प्रहलाद ने दुख से पीड़ा से नाम का रटन किया, भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव ने ग्लानी से नाम लिया, ध्रुवता पाई। भगवान राम जी ने, तुलसीदास जी बहुत सुंदर लिखते हैं उसका सार भाग आपको कह रहे हैं, भगवान राघवेंद्र ने त्रेता युग में जो किया, शायद हमको ये हो कि भाई त्रेता युग में भगवान ने सब किया था, अब तो कलयुग में। तो तुलसीदास जी ने समाधान दिया कि त्रेता युग में स्वयं ठाकुर ने जो किया था वो सब बातें कलयुग में उनका नाम कर रहा। त्रेता युग में भगवान ने त्रेता में परमात्मा ने एक अहल्या को तारी, कलयुग में उनके नाम ने कई जड़मती को धन्य बना दिया। त्रेतायुग के भगवान राघव ने धनुष भंग करके सियाजू को पाया। कलयुग में ठाकुर के नाम के माध्यम से कई साधकों के अहंकार के धनुष टूट गए और भक्ति को पा गए। त्रेतायुग में भगवान राघवेंद्र ने दंडक वन को पवित्र किया, कलयुग में उनका नाम कई अनेक जन मन को पावन कर रहा है। त्रेतायुग में भगवान राघवेंद्र ने सबरी गीद सुसेवकनी इन लोगों को सुगति दी, सदगति दी, कलयुग में उनके नाम ने अनेक खलों को अधमों को उद्धारा है, तारा है, पाला। त्रेतायुग में भगवान राम ने सेतु बनाया, और सेतु बंद यानी
बांधा सागर को, बंध तो हुआ, बंधन तो आया समुद्र को, लेकिन कलयुग में तो उनका नाम नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सुखा देता है भव सागर को, और सुखा यानी समाप्त नहीं कर देता, इतना सुखा देता है समुद्र का पानी कि साधक पैरों से चलकर पार हो जाए, न बांधना पड़े, न डूबना, न कुछ करना। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहूं विचार सुजन मन माही। सोच लो, गोस्वामी जी निमंत्रण देते। त्रेतायुग में भगवान राम ने सकुल सदल रावण को मार दिया, कलयुग में उन्हीं का नाम भक्तों की दुराशा को, विकारों को शमित करके, नाश करके विजयी घोषित कर देते। त्रेतायुग में भगवान राम ने अयोध्या आकर राम राज्य की स्थापना की, लेकिन राम राज्य के बाद भी भगवान जब स्वधाम चले गए और परमात्मा के पुत्र लोग जब आए गादी पर, तब लवणासुर आदि का युद्ध बताया है, हमला हुआ है, तो राम जी के जाने के बाद अयोध्या की गादी पर पुनः अशांति आई है, लेकिन कलयुग में उनका नाम लेने से ऐसा राम राज्य स्थापित होता है कि फिर तस्नेह मगन सुख अपने, आठों पहर आनंद, आठों प्रहर साधक उनकी मस्ती में रहता है। तो त्रेता युग में राम जी ने जो जो किया है वो कलयुग में उनका नाम कर रहा है। कली नाम की फसल है, कलयुग में फसल पकती है नाम की। ये ध्यान का काल नहीं, काल ध्यान का था सतयुग, ये बहुत यज्ञ करने का काल नहीं, कोई करे तो वंदन, कोई ध्यान करे तो वंदन, यज्ञ का काल था त्रेता, घंटों तक पूजन अर्चन करने का काल था द्वापर, लेकिन कलयुग है केवल नाम का काल। यहां नाम से वो फल मिलता है जो सतयुग में ध्यान से मिलता था, यहां नाम से वो फल मिलता है जो त्रेता में यज्ञ से मिलता था, और यहां नाम से वो फल मिलता है जो द्वापर में पूजन अर्चन से मिलता था। नाम ही प्रधान है, नाम जिन्होंने जान लिया उन्होंने सब जान लिया, नाम की महिमा है, इसलिए नाम का आश्रय खूब करो। मंत्र में तो कठिनाई है कि अनुष्ठान करना पड़ेगा, विधि निषेध लगता है, आसन शुद्ध होना चाहिए, तुम्हारा वस्त्र शुद्ध होना चाहिए, और नियम से करना पड़ेगा, अनुष्ठान करोगे तो दशांश यज्ञ करना पड़ेगा, ये सब अनुष्ठान लग जाता। नाम में तो कोई अनुष्ठान की जरूरत नहीं, जब चाहो जब फूटे लिया करो। चैतन्य महाप्रभु के पास एक भक्त ने शिकायत की कि आपका एक भक्त नाम प्रेमी इतना हो गया है कि मल मूत्र के त्याग के समय भी गोविंद हरि बोल करता है, उसको रोकना चाहिए कि भाई मल मूत्र के त्याग के समय हरि नाम बोलना ठीक नहीं है, नाम अपराध हो जाएगा। तो चैतन्य ने बुलाया इस भक्त को कि भाई तुम्हारे बारे में भक्त लोग शिकायत करते हैं कि तुम ऐसी अवस्था में भी नाम लिया करते हो। बोले हाँ बाबा क्या करूं, निकल जाता है, क्या करूं। बोले नहीं ऐसा करो, कुछ करो, ध्यान रखो, ध्यान रखो, बहुत कहा नहीं। दूसरे दिन सदगुरु की आज्ञा हो गई थी, तो कहते वो बेचारा मलमूत्र त्याग के लिए जाता है तो जीभ को पकड़ रखता है कि कहीं हरि न बोल ले, कहीं राघव न बोल ले, कहीं गोविंद न बोल ले। बड़ी मुश्किल होने लगी उसको, बड़ा बड़ा मुश्किल उसको लगने लगा। तीन दिन के बाद एक भक्त ने कहा बाबा ऐसा हो गया, तो आंख में आंसू भर आए चैतन्य को, कहा उसको मेरे पास बुलाओ। बुलाकर कहा बेटे तेरे लिए कोई बंधन नहीं, तू कभी भी हरि नाम बोल सकता है, कोई भी अवस्था में कैसे भी तुम बोल सकते हो, तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं। तो नाम में बहुत विशालता मिलती, मंत्र में बहुत वो निभाने पड़ते हैं नियम आदि, राम बोलने में सब नियम निभ जाते हैं, सब संयम पल जाते हैं, राम बोले तो। राम नाम की बड़ी महिमा गोस्वामी जी ने बताई है। लोग पूछते हैं हमको मंत्र चाहिए, कोई मंत्र दो। अरे हम क्या मंत्र दे, गोस्वामी जी का शास्त्र मंत्र देता है, ले लो, ये जाहिर मंत्र दीक्षा है। हाँ, आपको आपके गुरु ने मंत्र दिया हो तो कभी छोड़ना मत मेरे भाई बहन, जो मंत्र आपको दिया हो
चाहे कृष्ण का, शिव का, दुर्गा का, गणेश का, कोई भी तुम्हारे गुरु ने दिया है, ठीक दिया है, उसका परिवर्तन मत करना। लेकिन यदि आपके पास कोई मंत्र नहीं है और आपको लगता है कि किससे मंत्र ले, तो रामचरितमानस से मंत्र ले लीजिए। वो मंत्र दीक्षा देता है, राम मंत्र ले ए जाहिर मंत्र दीक्षा गोस्वामी जी देते हैं। और ये ऐसा मंत्र है, महामंत्र है, जो दुनिया की वरिष्ठ व्यक्ति इसका जप करती है। भगवान शंकर उनका जप करते हैं, गोस्वामी जी प्रमाण देते हैं। तुम अपनी राम राम दिन राती सादर जप अनंग राती। सादर जप अनंग राती। तो शिव जी का मंत्र है राम, दो अक्षर राम, शिव जी का महामंत्र, वो ही उसी मंत्र का जप करते हैं दुनिया की वरिष्ठ व्यक्ति। और हनुमान जी महाराज, सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस पर राखे राम। हनुमान जी का मंत्र है राम, वो राम राम रटते रहते हैं। संत शिरोमणि श्री भरतलाल जी, वो भी राम नाम का ही मंत्र जपते हैं। नाम जी है जप लोचन नीरो, नाम जी है जप लोचन नीरो, पुलक गात ही सिय रघुबीर, पुलक गात ही सिय रघुबीर, पुलक गात ही सिय रघुबीर, नाम जी है जप लोचन नीरो। नाम जी है जप लोचन नीरो। और ध्यान देना जपने में, सुमिरन में, कि नाम को बीज मंत्र कहा है, बीज है। और जब आप बीज बोते हैं तो आपने बोने का काम तो कर दिया, लेकिन बीज बोने के बाद चतुर किसान को उसको जल सींचना होता है। नाम जी है जप लोचन नीरो, नाम जी है जप लोचन नीरो। नाम का बीज जब बो तब आंख में से अश्रु गिर जाए तो समझना फसल पकेगी। तुमने समय पर नाम जी है जप लोचन नीरो। भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में ऐसी कथा मिलती है कि जब सुबह में लोग दर्शन को जाते तो उनके शिष्य गादी तकिए जो बिछाने में रखे जाते थे उसको एकदम पानी निकालते थे, चादर से जो ओढ़ते थे बिछाना में रखते थे, तो लोग हैरान हो जाते। वैष्णव पूछते थे कि रात को बारिश हुई क्या, कोई पानी गिर गया बाबा की बिछाने में? तो शिष्य की आंख में अश्रु आ जाते, तो क्या बात है? बोले, बाबा रात में इतना सुमिरन करते हैं कि आंसू से बिछाना भीग जाता, तकिया बिस्तर चादर सब भीग जाते। नाम जी है जप लोचन नीरो, नाम जी है जप लोचन नीरो। तो श्री भरत जी का भी यही मंत्र है, शिवा का भी यही मंत्र है, श्री जानकी जी का भी यही मंत्र है। जानकी जी भी प्रभु का वही मारीच के पीछे दौड़े हुए स्वरूप का ध्यान करती हैं और सतत जपति हृदय रघुपति गुण सेना, जपति हृदय। ठाकुर का नाम लेते लेते इन लीलाओं को याद करती रहती है। काग भुसुंडी का भी यही मंत्र है,
राम नाम, वो भी नाम का ही सुमिरन करते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव कुशल कोटि सत्कामा। इष्ट देव मम बालक रामा, स्वभाव कुशल कोटि सत्कामा। और काम भूषण जी तो अपना इतना मक्कम सिद्धांत देते हैं, एकदम हट से देते हैं। तरही न बिनु से ये मम स्वामी, तरही न बिनु से ये मम स्वामी, तरही न बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि। तो राम नाम नाम भी है और महामंत्र भी है, लेने में सुविधा है, कब भी ले सकते हैं, और फल मिलता है महामंत्र का। कोई अनुष्ठान की, कोई विधि निषेध की, कोई कोई जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी नाम की महिमा। गोस्वामी जी ने तो वहां तक लिख दिया कि भाव से जपो, कुभाव से जपो तो भी चलेगा। इसका मतलब यह नहीं कि हम कुभाव से जपे, लेकिन यदि भाव न उठा तो चलो कुभाव से भी जपो, लेकिन जपो। जपात सिद्धि, नारद जी ने सूत्रों में कहा है, जपने से सिद्धि होगी, जपने से सिद्धि होगी, जपने से सिद्धि होगी। तो नाम का जप खूब करें। भगवान श्री कृष्ण ने जप यज्ञ को अपनी विभूति बनाया है। यज्ञानां जप यज्ञोऽस्मि स्थावराणां भीमान। यज्ञ में, जप यज्ञ में हूं, ऐसा प्रभु बोलते हैं। तो मेरे भाई बहन, नाम की महिमा बड़ी अद्भुत है। कली में नाम ही एक आधार है। तो नाम कैसे जपें, उसके कुछ विशिष्ट प्रयोग रामचरितमानस में बताए। एक तो शंकर जी की पद्धति है नाम जपने की, दूसरी गणेश जी की पद्धति है, तीसरी पद्धति है लंका कांड वाली, और चौथी वाल्मीकि ये पद्धति है। हमारी रुचि में जो पद्धति बैठे उस पद्धति से नाम का जप करो। पहली पद्धति है शंकर पद्धति, शंकर भगवान की पद्धति। शंकर भगवान है विश्वास, भगवान शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर विश्वास हैं, शंकर भगवान जपते हैं। इस पद्धति का नाम रामचरितमानस के महात्मा लोग कहते हैं विश्वास की पद्धति है। नाम विश्वास से जपो, ये शंकर पद्धति, पूरे विश्वास के साथ जपो, जरा भी विश्वास हटे ना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुखेद प्रकाश। दृढ़ विश्वास के साथ ये शंकर भगवान वाली पद्धति है कि हम जप करें, भले थोड़ा जप करें, लेकिन विश्वास के साथ जप करें, विश्वास के साथ। ये एक पद्धति संक्षेप में कह दी। दूसरी पद्धति है गणेश वाली, नाम प्रताप जान गण राव, नाम प्रताप नाम प्रताप जान गण राव, प्रथम पूजिय नाम प्रभाव, प्रथम पूजिय नाम प्रभाव, प्रथम पूजिय नाम प्रभाव, प्रथम नाम प्रभाव। नाम की महिमा गणेश जी ने ठीक से जाना, गोस्वामी जी कहते हैं उसीलिए वो प्रथम पूजित हुई, पहली पूजा हुई। अब जानते हैं कथा कि स्पर्धा हुई कि पहली पूजा किसकी हो संसार में, तो कहा कि इस धरती को जो परिक्रमा करके जो पहला आ जाए उसकी पहली पूजा होगी। सब देवता अपने वाहन लेकर निकल पड़े कि पहले आ जाए और पहले पूज्य बन जाए। तो गणेश जी भी निकले कि चलो सब स्पर्धा में उतरे तो हम भी उतरे। और गणेश जी तो इतना स्थूल शरीर और उनका वाहन तो चूहा, वो कैसे इन दौड़ में सफल हो सकते हैं, लेकिन निकले तो जरूर। तो कथा आती है बीच में, नारद जी मिल गए।
तो इंद्रादि देवता लोग दौड़े जा रहे थे, उन्होंने भी नारद जी को देखा, लेकिन अनदेखा कर लिया कि सत्संग बाद में भी होगा, पहले चलो परिक्रमा करके स्पर्धा जीत ले और प्रथम पूज्य बन जाए। तो नारद जी को देखते हुए भी ये लोग नारद को प्रणाम किए बिना भाग पड़े, लेकिन गणेश जी को लगा कि संत पधारे हैं, अरे प्रथम पूजनीय हम बने न बने कौन चिंता करे, लेकिन संत मिल गए धन्य घड़ी जब होई सत्संगा, संत मिल गए तो उनके साथ सत्संग कर ले। तो गणेश जी रुक गए, सत्संग करने लगे। नारद जी ने कहा ये क्या दौड़ चल रही है? बोले महाराज पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो प्रथम आएगा उसकी प्रथम पूजा होगी, तो आपको नहीं जाना। बोले नहीं महाराज मैं भी निकला था लेकिन मैं तो पहुंचने वाला नहीं, लेकिन आप मिल गए अब सत्संग का लाभ कौन गवा दे, जिसको जाना हो जाए हम आपका सत्संग करें। गणेश के इस विवेक को देखकर नारद जी ने युक्ति बता दी कि आप ऐसा करें, भूमि पर राम शब्द लिख दिया और कहा कि आप उसकी परिक्रमा कर लो। ये राम नाम की परिक्रमा करने से केवल पृथ्वी की परिक्रमा नहीं होगी, राम में 14 ब्रह्मांड निहित हैं, इसलिए समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा मानी जाएगी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिभेद कहे, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड उल्लेख मिलता। तो गणेश जी ने विवेक से राम नाम लिखकर इस राम नाम की परिक्रमा कर ली और पहुंच गए तो उनको प्रथम पूजनीय बना दिया गया कि तुमने पूरे समस्त ब्रह्मांडों की परिक्रमा लगा ली। तो ये पद्धति जो गणेश वाली है वो विवेक से नाम जप की पद्धति है। एक विश्वास से नाम जप करें, दूसरी पद्धति है विवेक से समझ करके नाम का रस लेते लेते, उसका स्वाद लेते लेते, उनके गुण धर्मों को अनुभव में लेते लेते, जिसका नाम ले रहे हैं उसका ध्यान करते करते, ये विवेक की पद्धति। जिसका नाम ले रहे हैं उसका ध्यान शुरू, साथ साथ ध्यान भी, मेरे ठाकुर धनुर्धारी हैं, मेरे ठाकुर की आंखें बहुत सुंदर हैं, मेरे ठाकुर मुरली मनोहर हैं, मोर पीछ लगा है, जो जो अपने इष्ट हो उनका ध्यान करते करते नाम लेना, बस वहीं घूमते रहना, कहीं नहीं जाना। मन को कहना बस इतनी ही परिक्रमा करो, पूरी दुनिया की परिक्रमा मत करो। पूरी दुनिया की परिक्रमा करने से कोई पहला आएगा तो भी पहला नहीं, दुनिया बड़ी विशाल है, ब्रह्मांड अनेक है। तुम मन बस नाम की परिक्रमा किया करो, विवेक से उनको समझाया बुझाया जाए मन को कि बस इतना पर्याप्त। तो विवेक की पद्धति है गणेश वाली पद्धति। तीसरी पद्धति है लंका कांड में जो कथा आती है, रावण को मारने के लिए भगवान 30-30 बाण मारते हैं लेकिन रावण के मस्तक कट जाते हैं, भुजाएं कट जाती हैं, मरता नहीं, पुनः नूतन नूतन हो जाते हैं। तो ये 30 बाण वाली जो पद्धति है वो है माला पर, अंगुली पर या कोई और चीज पर गिन गिन कर नाम जप करने की पद्धति। और गिन गिन कर नाम जपने से क्या होगा, अच्छी पद्धति है, अद्भुत पद्धति, जिसको जप की कुछ संख्या निश्चित है कि रोज इतना जप करना ही है तो उसको माला लेना चाहिए। माला बड़ी मूल्यवान है, भारतीयों का सर्जन है ये माला। तो माला पर आप जप करते हैं कि बड़ी सुंदर पद्धति। लेकिन भगवान बाण मारते थे, सर तो कटते थे, लेकिन जैसे मारना बंद करते थे पुनः सर खड़े हो जाते थे। तो हम राम नाम लेते रहेंगे तब मोह के मस्तक कटेंगे तो जरूर, लेकिन जैसे जब बंद होगा तो पुनः मोह के सर निकल पड़ेंगे। अब कथा में बैठे, कथा क्या है, राम नाम का जप ही है मेरी दृष्टि में और कुछ नहीं। ये तो शब्द इधर उधर ला करके आपको सुनाने, बाकी कथा वस्तु तो और कुछ नहीं, इस महामंत्र का जप किया जा रहा है और इस महामंत्र के जप को आप सुन रहे हैं। यही महा रघुपति नाम उदारा, वो स्वामी जी कहते हैं मानस में और कुछ नहीं, इसमें रघुवीर का नाम ही है, अति पावन पुराण श्रुति सार, क्या है और? तो जब तक कथा में हम होते हैं तब तक तो रावण मरा, कथा में सब अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन कथा से निकले घर गए तो पुनः मोह के सर पर प्रकट हो जाते। तो कितनी बार भगवान ने मारे फिर भी नहीं मरा। विभीषण की ओर देखा और विभीषण ने कहा कि महाराज एक नाभि का तीर छोड़ो, एक हृदय का तीर छोड़ो तभी मरेगा। तो जब करते करते जब नाभि के साथ जब जुड़ जाए, जब हृदय का तार जुड़ जाए तब मोह निर्मूल हो जाता है। तो ये गिनते गिनते कभी हो जाता है, भले गुणाक्षर न्याय से हो जाए लेकिन हो जाता है।
और मेरी दृष्टि में तो गुनाक्षर न्याय से हो जाए अच्छा है, क्योंकि अपनी गति से भान रहे कि हमारे लिए हुआ तो अहंकार आने की वो है, गुनाक्षर न्याय से हो गया तो अच्छा, जैसे लकड़ी में गण पड़ता है, बड़ा शास्त्र का गुनाक्षर न्याय है, बड़ा अच्छा है। लकड़ी में गण लगता है ना, एक कीड़ा लगता है तो उसकी चेष्टा नहीं है कि राम लिखे, लेकिन कभी कभी उनकी लकड़ी को खाने की चेष्टा ऐसी होती है कि राम अपने आप लिख जाता है, हो जाए तो हो जाए, बनत बनत बन जाए, हो ही गुनाक्षर न्याय जो बन जाए तो बन जाए। तो हृदय का तार जुड़ जाए, नाभि से लग जाए तो मोह मर जाता है। ये तीसरी पद्धति है। चौथी पद्धति है वाल्मीकि की पद्धति। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। आदि कवि उल्टा बोले, वाल्मीकि राम राम नहीं बोल पाए, उसको जीवन पर्यंत का मारने का अभ्यास था तो वो कहने लगे महाराज मैं राम राम नहीं बोल सकता, मैं मरा मरा बोल सकता। तो कोई हरकत नहीं, मरा मरा बोलो, तीन बार मरा मरा बोलोगे तो राम राम शुरू हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, मरा मरा दो बार बोलो तो पुनः राम राम ही शुरू हो जाएगा। तो ये पद्धति है उल्टा सुल्टा बोलने की। उल्टा सुल्टा बोइए जूं खेतों में बीज। किसान जब बीज बोता है तो क्या बाजरी के दाने को ठीक से बोता है एक एक? नहीं, वो तो मुट्ठी भर के डाल देता है, निकल जाता है अंकुर। तो कैसे भी बोले बस उल्टा सुल्टा बोले, क्योंकि जिसका नाम ले रहे हो वो तुम्हारे भाव को जानता है। दुनिया जाने न जाने, कौन फिक्र करे, तुम मरा मरा बोलो, वो जानता है राम राम बोल रहा। बालक अपने माँ के पास रोटी मांगता है तो कहता है लोटी दो, रोटी के बदले लोटी बोलेगा बाल, तो क्या माँ उसको लोटी देगी? रोटी ही देगी, क्योंकि माँ तो जानती है कि बेचारा बोलना चुक कर रहा है, बाकी मांग रहा है रोटी। वैसे आप मरा मरा बोलोगे तो ठाकुर तो समझता है कि राम राम ही बोल रहा। तो एक आदि कवि की पद्धति है, एक लंका कांड वाली पद्धति है, एक विवेकनिक विवेक की पद्धति है, और इस एक विश्वास की पद्धति। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि बालक जैसे माँ बाप के पास तोतरी भाषा बोलता है और माँ बाप खुश हो जाते हैं, वैसे मेरे माँ बाप तो ये दोनों आखर है। मेरे माए बाप दो अक्षर है, रा और माँ, मेरे माँ बाप है। तात मात सब विधि तुलसी की, मेरा सब कुछ राम है। तो राम नाम का आश्रय करे, भगवान नाम का आश्रय करे, तुम्हारी जिस नाम में और जिस स्वरूप में निष्ठा हो उस निष्ठा को मजबूत करो। जो निष्ठा हो जिस रूप में, जिसकी लीला में, जो धाम में, लेकिन उनको मजबूत करो। नाम निष्ठा, धाम निष्ठा, लीला निष्ठा और रूप निष्ठा वैष्णव की बिलग बिलग होती है। तो राम नाम की ये बड़ी महिमा बताई है, नाम का खूब आश्रय करो। कलयुग में और कोई चारा नहीं है, गोस्वामी जी लिख देते हैं। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में क्या हो सकेगा, केवल राम नाम ही एक अवलंबन है। तुलसीदास जी तो कह देते हैं राम नाम की महिमा में कि मैं कहां तक राम नाम का गुणगान करूं, क्योंकि राम भी स्वयं नाम की महिमा का नहीं गान कर सकते। बाबा जी के शब्दों में कहो कहां लगी नाम बड़ाई, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, कहो कहां लगी नाम बड़ाई, कहो कहां लगी नाम बड़ाई। रामन सकहि नाम गुण गाई, रामन सकहि नाम गुण गाई, रामन सकहि नाम गुण गाई। कलौ केशव कीर्तना, कलि में केवल केशव कीर्तन, केलव कृष्ण का नाम, ठाकुर का नाम, राघव का नाम ही एक आधार है। बाबा जी सब तरह की मंजूरी देते हैं। भाय कुभाय अनख आलस हूँ, भाय कुभाय अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ,
नाम जपत मंगल दिश दशहिं। राम नाम नर केसरी कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पालहि दलि सुरसार। बंदवु नाम राम रघुबर को, हे तू कृषाण भानुहि मैं कर को। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, शंकराचार्य के संगे चीतम देयम दीन जना, वित्तम देयम दीन जना। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। शंकराचार्य महाराज भी कहते हैं गीता गावो और सहस्त्र नाम जपो। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। आगे की कथा ठीक 3 बजे भाव श्रद्धा के साथ बोलिए। रामचंद्र भगवान श्री बाल कृष्ण नारायण सदगुरु देव की। नमः पा